नमस्कार, मैं परगिट सिंह जटौल, स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है शिक्षण अधिगम की प्रभावकारी विधियों की विशेषताएं। आज का जो हमारा विषय है वो शिक्षण अधिगम की प्रभावकारी विधियों के ऊपर है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने निजी जीवन से। जब भी हम बात करते हैं अपने जीवन में कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अध्यापकों की छवि उभरती है जिनको हम बेहद पसंद करते हैं, और ये विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसे अध्यापक जिनको वो बहुत अच्छे अध्यापक की संज्ञा देते हैं, उनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे अध्यापक क्यों हमारे दिमाग में आते हैं जिनकी छवि बहुत अच्छे अध्यापक की हम गढ़ लेते हैं और तमाम जीवन हम उनको अपनी स्मृतियों में संजोए रखते हैं। एक छात्र अपने अध्यापक के निजी जीवन से इतना वास्ता नहीं रखता, ज़्यादा सरोकार उसका नहीं होता, वो किस चीज़ से प्रभावित होता है? वो प्रभावित होता है तो उसके पढ़ाने के तरीके से। जो अध्यापक जिस तरीके से हमें पढ़ाता है वो हमें हमेशा याद रखता है। तो यही तरीका और यही विधियाँ आज हम यहाँ उस पर चर्चा करेंगे कि शिक्षण अधिगम की आखिर कौन सी वो ऐसी विधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके एक अध्यापक अपने अधिगम को ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। तो मैं यहाँ शुरुआत में दो उदाहरण ऐसे देना चाहूँगा। सबसे पहले एक महिला शिक्षक जिनका नाम सरिता है, उनका जो विषय है वो है प्रदूषण। वो अपनी कक्षा कक्ष में गए और उन्होंने बच्चों के सामने 35 और 40 मिनट का एक लंबा चौड़ा व्याख्यान रखा, जिसमें तमाम प्रदूषण के जो प्रकार हैं और किस कारण से प्रदूषण होता है उस पे उन्होंने व्याख्यान दिया। 35 से 40 मिनट की जो अवधि थी उनकी कक्षा की, उसमें पूरा समय उन्होंने व्याख्यान पे दिया और बच्चों ने पूरी तरह से उनके व्याख्यान को सुना। ये अलग बात है कि उनका जो अधिगम से कितने प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, वो कितना समझ पाए कि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं और वो अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि इस प्रदूषण को कम कर पाएं। एक दूसरा उदाहरण एक ऐसे अध्यापक का जिनका नाम संदीप है, वो कक्षा कक्ष में आए। उन्होंने अपने पूरे जो कक्षा कक्ष में बच्चे हैं उनको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और 5 से 7 बच्चों का एक समूह बना दिया और उस समूह में से एक समूह का लीडर चुन दिया और उन सभी अलग अलग समूहों को कुछ चित्र दिए जिन चित्रों पर विभिन्न वायु प्रदूषण दिखाया गया था, दर्शाया गया था। कुछ चित्र वायु प्रदूषण के थे, कुछ चित्र जल प्रदूषण के थे, कुछ चित्र ध्वनि प्रदूषण के थे। वो सभी चित्र दिखाते हुए अलग समूहों से अध्यापक संदीप ने कहा कि आप इन चित्रों का विश्लेषण कीजिए और इन प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कीजिए। जब आप पूरी तरह इसका विश्लेषण कर लो तो आपके समूह का जो लीडर है वो एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें उस प्रदूषण के कारणों की समीक्षा होगी। तो उस पूरी कक्षा में अलग अलग समूहों ने अलग अलग प्रदूषण पर चर्चा की, अलग अलग अपने अपने विचार प्रस्तुत किए अपने समूह में और अंत में समूह के जितने भी मुखिया थे, जितने लीडर थे, उन्होंने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि विभिन्न जो समूहों में जो बच्चे थे, जो विचार उनके दिमाग में नहीं आया या जो बात कहीं ना कहीं उनसे छूट गई, वो किसी दूसरे समूह ने बात की और पूरे का सार संक्षेप जो था वो जो अध्यापक संदीप ने वो सिलसिलेवार पेश किया कि इस समूह ने इस प्रदूषण के ये कारण बताए हैं, इसके ये प्रभाव हैं, इसको हम इस तरीके से रोक सकते हैं। तो इससे आपको क्या अंतर लगा? एक तो अध्यापक जो महिला अध्यापक थी उन्होंने व्याख्यान के माध्यम से पूरे का पूरा 35-40 मिनट व्याख्यान दिया और बच्चों ने उस व्याख्यान को सुना, और एक जो अध्यापक संदीप जिन्होंने अलग अलग समूह में बांटकर
उस पर चर्चा की। मुझे लगता है और ये एक तथ्य भी है कि जब आप पूरी कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से शामिल कर लेते हो अपने शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में, तो वो विधि ज़्यादा प्रभावकारी होती है और उससे जो भी उपलब्ध जो हमें हासिल होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है कि हम उस अधिगम को स्थायी बना सकें और उसको बच्चे अपने व्यवहार में ढाल सकें। तो जो दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया, जो उदाहरण दिया समूहों में बांटकर, वो ज़्यादा अच्छी विधि लगी। आज ऐसे ही जो हम शिक्षण अधिगम की प्रभावकारी विधियां हम प्रयोग करते हैं कक्षा कक्ष में, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें शुरुआत में मैं एक नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, गिजूभाई भदेका जी का, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक दिवा स्वपन में बहुत अच्छे से और बहुत विस्तृत रूप से विभिन्न शिक्षण विधियों का जिक्र किया, जिनका प्रयोग करके एक अध्यापक ने एक ऐसी कक्षा, जिसे विद्यालय ये मानता था कि इस कक्षा में सभी बच्चे शरारती हैं, वो किसी भी अध्यापक पर ध्यान नहीं देते, उनका पढ़ाई में रुचि नहीं है, उन बच्चों में भी एक ऐसी रुचि पैदा कर दी कि वो शिक्षण अधिगम में बहुत प्रभावकारी रूप से अपनी हिस्सेदारी देने लगे। तो आज ऐसे ही कुछ शिक्षण अधिगम की प्रभावकारी विधियों की विशेषताओं की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले जो एक विधि है कि सहपाठियों के साथ सीखने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना। जो समय शिक्षा में पहले था कि ज़्यादातर जो हमारा शिक्षण अधिगम था वो अध्यापक केंद्रित था, उसकी जो धुरी थी वो अध्यापक था, अध्यापक पूरे का पूरा जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो अपने हिसाब से उसका प्रबंधन करता था। लेकिन जैसे मनोविज्ञान का दायरा बढ़ा और हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान दिया गया, तो हमारा जो शिक्षा का जो पूरे का पूरा जो धुरी है, जो शिक्षा का केंद्र है, वो बच्चा बन गया, वो एक छात्र, वो एक अध्येता बन गया, जिसे हम सिखाने के लिए विभिन्न विधियां यूज़ करते हैं। इसमें से सबसे पहले जो अच्छी जो विधि ये मानी जाती है कि वो बच्चा ज़्यादा सहज महसूस करता है अपने हम उम्र बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ। अगर कोई ऐसी योजना बनाकर उन बच्चों को कुछ दे दी जाए और उन बच्चों को कहा जाए कि इस पर आप इकट्ठे बैठ के एक समूह के रूप में इस पर कार्य करें, और उसमें वो ज़्यादा सहज भी महसूस करता है और सीखने की जो गति है वो भी उसकी ज़्यादा होती है। एक जो अध्यापक से वो थोड़ा महसूस करता है, उसको एक थोड़ा दूरी है, अध्यापक से दूरी है, एक आयु का जो फ़र्क है, उससे वो ज़्यादा सहज महसूस करता है अपने सहपाठियों के साथ। और कोई भी कार्य, शैक्षिक कार्य, अगर उनको ऐसे माहौल में दिया जाए जिसके आसपास उसके हम उम्र बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ों को कर पाता है। तो ये एक विधि है सहपाठियों के साथ सीखने की। और इसमें देखा भी गया है कि इसके जितने भी जो ऐसे शोध कार्य हुए हैं, उनके जो परिणाम ये बताते हैं कि अधिगम की जो उपलब्धि है वो उसकी दर बढ़ जाती है अगर उस बच्चे को अपने सहपाठियों के साथ सीखने के लिए कार्यक्षेत्र एक अध्यापक उपलब्ध कराए। तो दूसरी जो इससे मिलती जुलती जो दूसरी विधि है कि करके सीखने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम अध्यापक के नाते पूरे के पूरे जो गतिविधियां हैं या क्रियाएं हैं, शैक्षिक क्रियाएं हैं, उसमें बच्चे को बिल्कुल पीछे कर दें, उसको स्वयं करके, जो स्वयं वो सीखेगा कोई भी क्रिया वो स्वयं करके सीखेगा, उसका मौका हम ना दें, उसको ऐसा कार्यक्षेत्र उपलब्ध ना करवाएं, तो उसके अधिगम का उसके जीवन पर इतना प्रभावी असर नहीं पड़ेगा। अगर हम उसको ऐसी कार्यक्षेत्र में रखें जहाँ पर वो सीखने से पहले वो स्वयं उस कार्य को करके देखे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसमें कुछ शारीरिक क्रियाएँ हों, चाहे वो मानसिक क्रियाएँ हों, चाहे हमारे सृजनशीलता से संबंधित कोई कार्य हो, उस बच्चे को ऐसा कार्यक्षेत्र उपलब्ध करवाना और उसमें अध्यापक का जो भूमिका है अध्यापक की, वो सिर्फ एक सहायक के रूप में हो,
उसका उसमें कोई भी ऐसी विशेष भूमिका ना हो कि वो अपने पूरे के पूरे शिक्षण अधिगम को अध्यापक केंद्रित बना दे, उस छात्र पर उसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और उस छात्र को स्वयं उस क्रिया को करके और जो उसे उससे अनुभव हुआ उस अनुभव की चर्चा उस अध्यापक के साथ की जानी चाहिए। तो ये दूसरी विधि थी कि करके सीखना। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कितनी स्वतंत्रता देते हैं बच्चे को सोचने की, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कितना करता है अध्यापक, और जो उसने सोचा है उसका किस तरीके से क्रियान्वयन वो करता है। अब विद्यार्थियों को ज्ञान का सब सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वो जो पका पकाया जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा किताबी ज्ञान है, वही ना हो कि वही लाया जाए और बच्चों के सामने परोस दिया जाए। बच्चों को कोई ऐसा अवसर ही उपलब्ध ना हम करें कि जिससे वो अपने ज्ञान का सृजन खुद कर पाएँ। तो ये एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि ऐसी शिक्षण विधि, ऐसी शिक्षण अधिगम विधि जिसमें बच्चों को अपने आप कुछ नए ज्ञान का सृजन वो कर सकें और वो स्वतंत्र रूप से सोच सकें। अगर हम उनको ऐसा मौका नहीं देंगे तो उनकी जो सोचने की क्षमता है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में जब उसका जो विद्यालय की जो शिक्षा है वो पूरी हो जाएगी, जब वो अपने जीवन में विभिन्न कार्य करेगा, तो उसको एक चीज़ का हमेशा दुख होगा कि उसे स्वतंत्र रूप से जो सोचने का जो तरीका है वो तो उसके विद्यालय ने उपलब्ध ही नहीं करवाया, तो उसकी सोच का जो विस्तार है, जो उसका दायरा है, वो ही नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए ये विधि इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे एक बच्चे की जो सोच है, जो उसके सोचने का जो विस्तार है, उसको बढ़ाने के लिए ये विधि सर्वोत्तम है, और उसको अपना ज्ञान खुद सृजन करना, ना कि जो ज्ञान पहले से उपलब्ध है सिर्फ उसी ज्ञान को मुहैया करवाना, इससे अच्छा कि उस बच्चे को अपना ज्ञान स्वयं सृजन करने का मौका दिया जाए। अब बात करते हैं कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। ये भी एक विधि है, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन के बहुत से तरीके हैं। एक अध्यापक किसी कविता के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से, हमारे समाज में रोज़ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं या ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिस पर एक चिंतनशील जो बच्चा है वो सोचता है, लेकिन क्या हमारा शिक्षा का ढांचा उसको मौका देता है कि वो सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करके अपने विचार अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सके। तो एक अध्यापक के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करे। इस विधि में जो विभिन्न जो गतिविधियां जो समाज में या उसके कार्यक्षेत्र में या उसके परिवेश में जो चीज़ें हो रही हैं, उस परिवेश पे उनको कुछ ना कुछ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बहुत से अध्यापक ऐसे भी हैं जो बच्चों में लेखन का जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए उनको कविताएँ लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो कविता जो लिखना या किसी लेख पे अपने विचार रखने, तो अपने आप में सृजनात्मक चिंतन का विकास है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण विधि है। और इसके अलावा अध्यापक ऐसा भी वातावरण मुहैया करवा सकता है बच्चों को जिसमें उसमें चिंतन कर सके कि इस समस्या का, जैसे कोई समस्या समाधान एक विधि है कि उनके सामने एक एक ऐसी समस्या अध्यापक रखे जिस पे वो सोचने के लिए मजबूर हो। और हर बच्चे का सोचने का एक अपना तरीका है, और वो कितने तरीके से एक समस्या पर एक से अधिक कितने तरीकों से वो सोच सकते हैं, ये उनका सृजनात्मक चिंतन है। तो सृजनात्मक चिंतन का विकास एक महत्वपूर्ण विधि है जिसका प्रयोग कक्षा कक्ष में किया जाता है। अब बात करते हैं कि जीवन कौशलों का विकास। ये एक विधि है कि अध्यापक बच्चों में जीवन कौशलों का विकास कर सके। तो सबसे पहले तो एक जो छात्र है उसमें संप्रेषण के कौशल का विकास कर, संप्रेषण उसका बहुत अच्छा हो, उसका भाषा पे, उसकी भाषा पे पकड़ हो, वो अपनी बात इस तरीके से रख पाए, इतने प्रभावशाली तरीके से रख पाए कि उसको जो सुनने वाले जो वक्ता हैं वो उसकी खूब तारीफ करें। हमारे आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा
उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है किसी भी मुद्दे पर तो वो बोल नहीं पाते। अगर वो बोलना शुरू करते हैं तो उनके पास शब्दों की कमी हो जाती है, वो अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं रख पाते। तो सबसे पहला जो हर व्यक्ति के जीवन में मेरा मानना है कि जो सबसे प्रभावशाली कौशल है वो संप्रेषण का है, कि आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हो, किस तरीके से आप अपनी बात रखते हो। अगर आपके पास प्रभावशाली संप्रेषण है तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें आपकी काबिलियत को, आपके कौशल को कोई ना पहचान सके, आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता अगर आपके पास प्रभावशाली संप्रेषण है। तो ये एक जीवन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है और ये एक विधि भी है जीवन कौशलों का विकास, जिससे हम बच्चे में संप्रेषण को प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरी विधि है समस्या समाधान। समस्या समाधान में मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया कि एक अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चे के सामने एक ऐसी समस्या रखे जिसमें बच्चा या पूरी जो कक्षा कक्ष में जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि इस समस्या का क्या समाधान हो। समस्या समाधान का पूरा एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से पहले उनके सामने समस्या रखनी, उसके बाद वो समस्या से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करते हैं और उस आंकड़ों का विश्लेषण करके और उसके परिणाम निकालते हैं, और उसके बाद परिणाम पे चर्चा होती है कि जो समस्या आपको दी गई उसके क्या कारण थे और उसका क्या हम किस तरीके से उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद कौशल है आलोचनात्मक चिंतन का, कि आप किसी भी विषय पर अपना आलोचनात्मक चिंतन कर पाते हो या नहीं। अब आलोचनात्मक चिंतन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को देखा जाता है। इसमें बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा विषय आता है जिसके बारे में आपको कम ज्ञान है या बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो उसको अच्छे से उस पर चिंतन करें, उसके बारे में जितनी सामग्री मिलती है, जो भी विषय वस्तु मिलती है, उसको पढ़ो। और पढ़ना सिर्फ उसका वो पक्ष नहीं है जो उसका सकारात्मक है, उसका नकारात्मक पक्ष भी पढ़ना है, और उसके बाद अपने चिंतन से उसका विश्लेषण करना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। जब उसको सही और गलत में निर्णय करना आ गया तो ये समझो कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल है वो विकसित हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं आत्मज्ञान की, कि एक जीवन कौशल आत्मज्ञान, स्वयं के बारे में जानना कि आप खुद कितने पानी में हो, आपके पास जो ज्ञान है वो कितना है। वैसे ज्ञान तो एक बहुत विस्तृत समंदर की तरह है जिसमें से हमें कुछ बूंदें ही चखने को मिलती हैं, क्योंकि ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें अपने स्वयं की शक्तियों के बारे में हमें पता चलता है कि हमें कितना कौशल है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, और किसी विषय को हम किस प्रभावशाली तरीके से समझ पाते हैं और अपनी बात किस तरीके से रख पाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको अपने कौशलों का, अपनी उपलब्धियों का और जो उनमें खूबियाँ हैं उनका ज्ञान नहीं होता। तो ये एक अच्छा कौशल है कि उन्हें आत्मज्ञान करवाना कि उनके पास क्या क्या विशेषताएं हैं उनके व्यक्तित्व में और वो क्या कुछ कर सकते हैं। इसके बाद एक जीवन कौशल है जिसका वर्तमान समय में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सहानुभूति की। एक अध्यापक के नाते बच्चों में इस कौशल का विकास करना कि वो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ सकें, दूसरे की जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए वो कुछ प्रयत्न कर सकें, तभी वो एक समाज के उत्पादक और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कौशल है सहानुभूति। अगर वो दूसरे जो ज़रूरतमंद हैं उनके प्रति वो सहानुभूति रखेंगे तो धीरे धीरे ये कड़ी जुड़ती जाएगी और समाज एक सही दिशा में अग्रसर होगा। इसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, कितनी विकसित की है हमने अपने छात्रों में। तो एक अध्यापक अगर इस विधि का प्रयोग करता है तो बच्चों में अगर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है तो पूरा जीवन वो किसी भी द्वंद्व में नहीं पड़ेगा। ऐसी अगर कोई भी उसके सामने कोई समस्या आती है जिससे उसे ये लगता है कि मैं इसमें अगर ये करूं तो इसका ये होगा, अगर ऐसा करता हूं तो मेरे जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
उसका समूचा विश्लेषण करके निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कई बार हम पूरा जो समय है वो विचार में निकाल देते हैं और निर्णय नहीं ले पाते, तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसका प्रयोग तमाम जीवन एक व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है, चाहे वो निर्णय अपने निजी जीवन से संबंधित हो, चाहे वो निर्णय परिवार से संबंधित हो, चाहे वो निर्णय समाज से संबंधित हो और चाहे वो देश से संबंधित हो। और आजकल तो ऐसे भी हैं कि हमें बताया जाता है कि हम एक ब्रह्मांड के निवासी हैं और हमारे द्वारा लिया गया निर्णय जो है वो कितने लोगों पे उसका असर पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, एक महत्वपूर्ण विधि है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम अपने कक्षा कक्ष में केवल सिर्फ एक विधि का ही प्रयोग करें या विभिन्न विधियों का प्रयोग करें। तो जैसे बात आती है विभिन्न विधियों की, तो उसमें संरचनात्मक विधि है, मिश्रित विधि है, प्रयोजन विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है, खेल विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। तो ऐसे ऐसे अनेक विधियां हैं जिनका प्रयोग हम अपने शिक्षण अधिगम में करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है जैसे मिश्रित विधि, उसमें ये कहा जाता है कि अध्यापक विभिन्न विधियों को, एक से ज़्यादा विधियों का एक साथ वो प्रयोग करें, वो हमारे शिक्षण अधिगम के जो परिणाम हैं उनकी जो दर है उसको और भी बढ़ाते हैं। हमारे जो परिणाम अच्छे आते हैं, सकारात्मक आते हैं, अधिगम की जो दर है, जो गति है वो बढ़ती है। तो हम एक एक करके इन विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले संरचनात्मक विधि है जिसमें बच्चों को विशेष रूप से मौका दिया जा सकता है कि वो ज्ञान की संरचना खुद कर पाएँ। मिश्रित विधि पे मैं पहले बता चुका हूँ कि मिश्रित विधि में विभिन्न विधियों का एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में प्रयोग करना, और वो इसलिए भी ताकि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारा अध्येता है, जो सीखने वाला है, उसकी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं उस ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके हम उसको कक्षा कक्ष में पूरी तरह से उसको शामिल कर लें। अगर हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे, जिस विधियों से उनको कुछ ना कुछ हम 3D मॉडल बोलते हैं, त्रिआयामी जो भी विधियाँ हैं, मॉडल्स हैं, उनको हम बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चों को कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, बच्चों को कुछ देखने के लिए मिल रहा है, बच्चे किसी न किसी क्रिया में शामिल हैं, तो इससे उनकी ज्ञानेंद्रियाँ पूरी तरह से हमारे शिक्षण अधिगम में शामिल होती हैं, जिससे अधिगम ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। प्रयोजन विधि में भी, समस्या समाधान विधि में भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हम उन बच्चों के सामने एक प्रयोजन देते हैं और एक समस्या देते हैं जिसके ऊपर वो आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद उस समस्या के समाधान के लिए और उसके जो हमारे परिणाम आते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, एक वो रिपोर्ट पेश करते हैं। और इसके बाद प्रश्न उत्तर विधि है। अध्यापक बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। व्याख्यान विधि तो हम ज़्यादातर जो अध्यापक हैं उसका वो प्रयोग करते हैं, तो व्याख्यान विधि भी अच्छी है अगर हम उसके साथ दूसरी विधियों का भी उसके साथ प्रयोग करें। जैसा शुरुआत में मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक अध्यापक ने पूरे का पूरा जो प्रदूषण का जो विषय है उसको व्याख्यान विधि से पढ़ा दिया। उसमें और भी बेहतर होता अगर वो व्याख्यान विधि के साथ साथ समस्या समाधान विधि का प्रयोग करता, वाद विवाद विधि का प्रयोग करता, या जिस तरीके से अध्यापक दूसरे अध्यापक ने कुछ चित्र दे के उनको समूहों में बांटकर और उन पर चर्चा और उस पर विश्लेषण करने को कहा, तो उस समय उस अध्यापक ने एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया, तो ये अधिगम के लिए ज़्यादा प्रभावकारी है। और अंत में खेल विधि, बहुत से ऐसे विषय हैं, मैंने जिक्र किया गिजू भाई भदेका का, जब उनको एक जैसे उनकी जो रचना है दिवस ओपन, उसमें एक अध्यापक को जब कहा गया कि आप जो प्रयोग करना चाहते हो एक विद्यालय पे और जो आप ये बताना चाहते हो कि आजकल का जो हमारा शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें ये कमियां हैं, तो आप किस तरीके से पढ़ाओगे, तो उस अध्यापक ने जो दिवस ओपन में जो अध्यापक है
वो कक्षा कक्ष में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि सभी बच्चे शरारत कर रहे हैं, अलग अलग कामों में लगे हुए हैं और अध्यापक की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे खेल विधि के माध्यम से कहानियाँ सुनाकर उन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर धीरे धीरे उस खेल को, उन कहानियों को शिक्षा से जोड़ दिया ताकि उनको वो खेल भी सकें जिसमें वो रुचि ले रहे हैं, जिसमें उनको आनंद आ रहा है, वो कहानियाँ भी सुन रहे हैं और साथ के साथ वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसा जो हमारा प्राथमिक स्तर है जिसमें बच्चे जो उनका आयु जो बहुत कम होती है, तो बच्चे कहानियाँ या खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो कहना ये था कि हम एक से अधिक विधियों का एक साथ अगर प्रयोग करेंगे तो हम शिक्षण अभिगम को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। अब बात आती है कि जिस भी शिक्षण अधिगम विधि का हम प्रयोग करें वो विधि सस्ती हो और किफ़ायती हो। अगर हम किसी ऐसे शिक्षण विधि को ले आएं जिस पे हम पूंजी ज़रूरत से ज़्यादा लगा दें लेकिन उससे हमें जो हासिल हो रहा है, जो हम उससे लाभ ले रहे हैं, वो उतना लाभ हम नहीं ले पा रहे, या ऐसी विधि जिसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, समय भी ज़्यादा है, लागत भी ज़्यादा है, लेकिन उससे हम उस हिसाब से या उस अनुपात में उससे हम लाभ नहीं ले पा रहे, तो वो विधि हमारे शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहती। विधि सबसे बेहतर वही मानी जाती है कि जिसमें आपकी लागत से ज़्यादा आपको लाभ मिले, समय कम लगे, ताकि कम समय में जो आप बच्चों को अनुभव देना चाहते हो, जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हो, जो उनके व्यक्तित्व में परिमार्जन करना चाहते हो, वो हम कम लागत से और कम समय में कर पाएँ। क्योंकि हमारा देश आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, और अगर हम कम लागत और कम समय की ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे जिसको हम एक साथ एक से ज़्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुँचा सकें, तो वो ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती विधि मानी जाएगी और ऐसा इसका प्रयोग भी हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। अब इसके अलावा जो बात हम करते हैं रुचि की, तो जो मैंने उदाहरण दिया था गिजुभाई भदे का, गुजरात से शिक्षक थे, उन्होंने प्रथम प्रयास यही किया कि बच्चों में रुचि पैदा की। अगर बच्चे शिक्षण अधिगम में रुचि नहीं ले रहे तो उस अधिगम का जो प्रभाव है वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहेगा, लंबे समय तक बच्चे उसको याद नहीं रख पाएंगे। और पहला प्रयास यही, ऐसी विधि का प्रयोग करो जिसमें रुचि और आनंद बच्चों के लिए हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और मानसिक योग्यताओं के अनुरूप हो विधि। हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उसमें इस चीज़ पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का जो मानसिक स्तर क्या है और उन बच्चों की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता और मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर जो विधि हम प्रयोग करते हैं वो विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। और इसके बाद अंतिम में विद्यार्थियों के अनुभव पर अधिक बल देना, ये नहीं कि सिर्फ उनको किताबी ज्ञान दो, उनके अपने अनुभव का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए कि उनके जब वो अपने परिवार में हैं या अपने वातावरण में हैं, परिवेश में, समाज में विचरण करते हैं, तो उन्होंने कैसा अनुभव किया, उनके अनुभव का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो उसका प्रभाव ज़्यादा स्थायी होगा और बच्चा अपने आप को ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। तो आज हमने चर्चा की शिक्षण अधिगम की प्रभावकारी विधियों के बारे में, जिसमें हमने बताया कि बच्चों के अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, उनकी रुचियों का विकास किया जाए और जीवन में जो काम आने वाले कौशल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए ताकि वो जीवन में इन कौशलों का प्रयोग करके अपने समाज को, अपने देश को एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हम उम्र जो उनके साथी हैं उनके साथ मौका दिया जाए सीखने का, उनको खुद स्वयं करके सीखने का मौका दिया जाए, उनको अपना ज्ञान खुद सृजन करने का मौका दिया जाए। ये ना हो कि अध्यापक ही उसको पूरे का पूरा ज्ञान परोसे, एक भूगोल के अध्यापक की तरह कि उसको पूरा ग्लोब बताने से अच्छा कि उस ग्लोब को बच्चों के सामने रख दो और बच्चों को स्वयं अपना ज्ञान हासिल करने का मौका दो, उनको पता लगे कि उत्तरी ध्रुव कहाँ है,
दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, समय का जो अंतर है विभिन्न देशों में वो क्यों है। तो ये था आज का जो हमारा विषय, शिक्षण अधिगम की प्रभावकारी विधियाँ। आप सभी का धन्यवाद।